मैं हूं श्याम भाटिया और आप सबका वेलकम करता हूं E-Academy 123 पर। आज हम मास पुलिस सिस्टम डिस्क्राइब करेंगे और उसको समझेंगे कि जेई और नीट में इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे फ्रेम होते हैं और आपको कैसे डील करना है। तो सबसे पहले यहां पर आते हैं, ये एक स्ट्रिंग है, ये वाली एक स्ट्रिंग है, ये एक स्ट्रिंग है, यहां से स्टार्ट हुई है, इससे कनेक्टेड ओवर द पुलिस और यहां आकर ये फिक्स्ड हो गई है, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग यहां से लगाकर यहां तक एक है, तो लेट्स से इसमें टेंशन टी मैंने मान लिया, तो होना क्या है कि टेंशन टी, ये वाली स्ट्रिंग क्या रहेगी, ओवर द पुल्ली पास हो रही, यहां 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 होते हुए यहां तक आ गई, यानी कहने का अर्थ कि टेंशन इसमें भी टी ही रहना है, यहां से ऐसे पास होकर आए तो यहां पर भी टेंशन अपवर्ड टी ही रहना है, ठीक है। बात इतनी क्लियर होती है, इतनी बात क्लियर होती है तो अपन आगे कंसेप्ट को समझने की कोशिश कर सकते हैं, यानी अगर डोरी चेंज नहीं होगी थ्रू आउट द सिस्टम तो उस डोरी में डेवलप होने वाला टेंशन भी कांस्टेंट ही रहेगा, फिक्स ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। डोरी चेंज होगी तो टेंशन चेंज हो जाएगा, है ना। तो ये बात यहां से स्टार्ट करते हैं। 4G, तो W इक्वल टू mg होता है, तो यहां नीचे की तरफ एक 4G मैग्नीट्यूड का फोर्स डाउनवर्ड लग रहा होगा, लेकिन टेंशन तो अपवर्ड लग रहा होगा, तो इसको अगर मैं डिस्क्राइब करूं तो टेंशन ऊपर की तरफ लग रहा है, mg यानी 4G नीचे की तरफ लग रहा है, तो नेट कैसा करूंगा। अगर टी ज्यादा है, मैं मान के चलता हूं कि टी अगर टेंशन ज्यादा हुआ तो ये ऊपर इसको खींच जाएगा, जब इसको ऊपर खींच जाएगा तो ये टी ग्रेटर होगा, है ना। तो यहां लिख सकता हूं मैं टी माइनस 4G इक्वल टू, लेट से ये एक्सीलरेशन ए से जा रहा है, ए एक्सीलरेशन से ऊपर की तरफ जा रहा है, और ये ब्लॉक का मास कितना है, 4 है, तो 4 इंटू ए, क्योंकि एफ इक्वल टू एम ए होता है, ठीक है। तो ये 4 इंटू ए, ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। इतनी बात क्लियर हुई स्टूडेंट्स। यहां से आते आते ये टेंशन, तो ये टेंशन भी ऊपर की तरफ लग रहा, ये टेंशन भी ऊपर की तरफ लग रहा, तो डाउनवर्ड टेंशन कितना होगा, टी डैश, लेट्स से हम बोल देते हैं, तो टी डैश का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, मैग्नीट्यूड इसको बैलेंस करने के लिए आपके पास होना चाहिए 2t। अगर ये 2t, क्योंकि ये टी मिलकर कितना हो गया 2t, अब ये 2t क्या रहेगा, ऊपर की तरफ लग रहा है, लेकिन 5g W इक्वल टू क्या होता है, mg होता है, तो यहां नीचे की तरफ वेट, वेट वाला फोर्स कितना लगना चाहिए, 5g लगना चाहिए, तो 5g लगना चाहिए, तो ये ब्लॉक ऊपर उठ रहा है, तो नेचुरली हम कह सकते हैं कि ये वाला पूरा सिस्टम डाउनवर्ड गिर रहा होगा, यस, तो 5g ग्रेटर रहा होगा, तो मैं यहां लिख देता हूं कि 5g कैसा है, ग्रेटर है, ठीक, क्या है, ग्रेटर है आपके पास। लेकिन 2t कैसा लग रहा है, अगर इस पॉइंट की बात करो तो 2t ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा है और नीचे 5g लग रहा है, तो 5g ग्रेटर है, नीचे खींच के ले आएगा, लेकिन 2t ऊपर की तरफ उसको क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, तो नेट डाउनवर्ड फोर्स कितना होगा, वो होगा 5g माइनस 2t, और यही फोर्स इस 5g वाले ब्लॉक में 5a का क्या कर देगा, एक्सीलरेशन जनरेट कर देगा डाउनवर्ड, 5a, f इक्वल टू ma, तो यहां 5g माइनस आई कैन राइट 2t इक्वल टू, यहां पर अब आपके पास कैसा फोर्स आना चाहिए, ये ब्लॉक देखिएगा, यहां पर एक बात और समझनी है आपको, कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये भी क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, और ये वाला पॉइंट क्या है, फिक्स है, तो यहां तो ये इसका एक्सीलरेशन तो जीरो हो जाएगा आपके पास, यस, यहां पर इसका एक्सीलरेशन जीरो हो जाएगा, इसका एक्सीलरेशन वही होगा जो इस स्ट्रिंग का एक्सीलरेशन होगा, तो हम जानते हैं, लेट से मैं इसको क्या बोल देता हूं, ए डैश बोल देता हूं, किसके, इस पॉइंट का एक्सीलरेशन में ए डैश बोल देता हूं, तो ए डैश क्या होगा, इसका एक्सीलरेशन ए प्लस इसका एक्सीलरेशन कितना है, जीरो डिवाइडेड बाय टू। अब ये कैसे आया, ये प्रीवियस वीडियो में आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि उसको मैं समझूंगा, तो इस प्रॉब्लम को अपन कब लेंगे, है ना। तो जाहिर सी बात है कि ये दोनों का एडिशन, अगर इधर जरा पॉइंट टू, तो ये आ जाएगा ए बाय टू, तो यहां से ए डैश मेरे पास कितना आता है, ए बाय टू आता है, तो यहां पर इस ए डैश यानी जो नीचे की तरफ रिजल्टेंट एक्सीलरेशन जनरेट करेगा, नेट फोर्स इज कॉल्ड 5g माइनस 2t का जो एक्चुअल मैग्नीट्यूड डाउनवर्ड्स होगा, दैट मैग्नीट्यूड विल जनरेट द एक्सीलरेशन इन 5kg ब्लॉक, इट इज क्लियर। 5 किलो का जो बॉक्स है या ब्लॉक है वो डाउनवर्ड गिरेगा, तो जाहिर सी बात मैं यहां कितना लिखूंगा, 5 into a dash लिखूंगा। अब a dash की वैल्यू मैंने यहां कैसे निकाली, ये मैंने बताया था कल आपको, मतलब प्रीवियस वीडियो में, ये ऐसे जा रहा है और ये ऐसे है, ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, तो यहां से इसका रिलेशन क्या आ जाएगा, a3 या
ए डैश कह सकते हो, ए थ्री या ए या लिख देता हूं इसको, है ए थ्री को लिखा जा सकता है ए वन प्लस ए टू बाय टू, सभी कैसा है वेक्टर क्वांटिटी। ये रिलेशन आपको याद रखना है जब इस प्रकार से तीनों चीज जाए। तो अब आप कहेंगे कि इसके अंदर कैसा, इसके अंदर हमने मान लिया है इसके अंदर कि ये तो फिक्स है और ये जो एक्सेलरेशन इसके अंदर जनरेट हो रहा था, इस फार्मूले से हमने इस बात को क्लियर किया, दैट वी कंसिडर द थिंग। और अब हम यहां से इसको आगे बढ़ना चाहेंगे, ए डैश तो ये कितना हो जाएगा फाइव, ए डैश की वैल्यू कितनी है ये ए बाय टू आई, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं फाइव बाय टू इंटू ए, ये इक्वेशन नंबर टू आ गई। इतनी बात क्लियर हुई, क्या क्लियर हुई, यानी कहने का अर्थ है कि इसको मैं लिख सकता हूं 5g माइनस 2t इक्वल टू ma, तो ये 5 बाय 2a, a डैश ma f इक्वल टू ma से आया, a डैश किसका है इसका एक्सेलरेशन, तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन कितना होगा a बाय 2 हो जाएगा, ठीक है ये आपको याद रखना, ये इस पॉइंट का जहां पर टेंशन 2t, और मैंने ये भी कहा था कि at का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होता है, या 2t into a by 2 कितना हो जाएगा 8t हो जाएगा, यहाँ पर a into t भी हो जाएगा, यहाँ पर भी a into t हो जाएगा, यानी हमेशा थ्रू आउट द सिस्टम आपको क्या काम कांस्टेंट रखना है, इसका at का प्रोडक्ट या at कांस्टेंट रखना है, ये जितने भी हम क्वेश्चंस करेंगे उनमें काम आने वाली चीज है। मैं इसको ट्रिक नहीं बोलूंगा, कंसेप्ट बोलूंगा, क्योंकि f into t और व्हाटएवर जो चीज उसमें आती है उसमें बात करेंगे। तो ये हुआ, ये इक्वेशन नंबर सेकंड ही है। अब इक्वेशन नंबर वन और टू को डील करना है, जहां से मैं टी और ए को निकाल सकूं। एससी वर्मा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है ना, तो इसको मैं निकाल सकूं, यहां टू टी है और यहां टी है, तो इलिमिनेशन मेथड अगर मैं लगाऊंगा तो इक्वेशन नंबर वन को टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी जाकर ये टू टी कैंसिल हो पाएगा। तो मैं यहां लिख देता हूं इक्वेशन नंबर वन मल्टीप्लाइड बाय टू इंटू इक्वेशन नंबर टू, तो यहां से जो रिजल्ट मुझे मिलने वाला है उस रिजल्ट को मैं लिखूंगा, तो ये लेट्स से 5g माइनस 2t इक्वल टू 5a बाय 2, और ये कितना हो जाएगा 2t माइनस 8g इक्वल टू 8a, ठीक है, इन सबको एड अप करेंगे तो 2t 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और 5g माइनस 3g तो माइनस 8g तो बचेगा कितना 3g बचेगा, और ये कितना हो जाएगा 8a प्लस 5 बाय 2a, तो 8 टू जा 16, 16 प्लस 5 तो ये कितना हो जाएगा 21a बाय 2, और यहां पर 3 है तो बाकी कंडीशन यहां कर देता हूं मैं, तो ये माइनस 3 इंटू 2 बाय 21 इक्वल टू ए की वैल्यू आ जाती है, और यहां पर मैं इसको करूंगा तो ये कट जाए, तो ए गिव्स अस माइनस, ये जी इसके साथ ही चल रहा है ना, जी जो है ये इसके साथ ही चल रहा है, उसको भूलना नहीं है बेचारे को, तो ये कितना हो जाएगा 2g, कैलकुलेशन है सिंपल, 2g माइनस अपॉन 7 है ना, माइनस के 2g, यानी जो हमने वैल्यू अज्यूम की थी, क्या जो वैल्यू अज्यूम की थी वैसे ये फॉल ना होकर उल्टे तरीके से फॉल हो रहा है, ये वाली बात क्लियर हुई, ये एक एक ही ऐसे थी, तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, ये एक्चुअल में ऐसे फॉल कर रहा है ना, एक्चुअल में ऐसे फॉल कर, क्योंकि ए की वैल्यू कैसी आई है, नेगेटिव में आई है, नेगेटिव मतलब जो हमने डायरेक्शन एज्यूम की थी वो रिवर्स हो जाएगी इसकी, ठीक है, और यहां पर इसकी ये थी तो ये कौन सी हो जाएगी, ये एक्चुअल हो जाएगी, और इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा ए डैश का ए बाय टू, तो ए डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा टू से डिवाइड करो तो ये कितना हो जाएगा माइनस जी बाय सेवन, तो ए डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस जी बाय सेवन हो गई, है ना, तो इस प्रकार से अपन इसको इजीली एनालिसिस कर सकते हैं किसी भी चीज को। तो ये कंसेप्ट मैंने आपके साथ शेयर किया, इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।